आदेश आदेश आदेश। 19 तारीख को वर्ल्ड लीवर डे है। लीवर बहुत उपयोगी और जटिल अंग है अपने शरीर का। लीवर पाचन क्रिया में मदद करता है, लीवर खून की शुद्धि में मदद करता है, और लीवर से ही जॉन्डाइस, हेपेटाइटिस वन, हेपेटाइटिस टू जैसे रोग होते हैं। लीवर कभी डैमेज हो जाता है तो अपने आप ही वो बनता है, ऐसी एक प्रक्रिया है हमारे शरीर की। मगर कई कारणों से लीवर अगर डैमेज होता है, विपरीत कारणों से, जैसे लीवर सोराइसिस होता है और लीवर के दूसरे कारण बहुत ज्यादा दारू पीने से होता है, तो ये लीवर का फिर से जनरेट होना मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ही जटिल है, इसके अंदर जागरूकता आवे इसके लिए ये दिन मनाया जाता है। 20 तारीख को चैत्र नवरात्र की अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी। माँ दुर्गा का पूजन करना, अर्चन करना, यज्ञ करना, भोग लगाना, ये सब दिनों कई कई जगह पे तो कुमारिकाओं को भोजन कराया जाता है, ये सब इसी समय में इसी दिन होता है। आगे की बात करें तो 21 तारीख लोकाभिरामं रणगृजीरं राजीव नेतं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। रामनवमी, राम जी का जन्मदिवस। हिंदुस्तान के सनातन हिंदू धर्म के इष्ट देवता राम, जिसके लिए आप सब जानते हो अयोध्या की बबाल, और अयोध्या में क्या हुआ था, और राम ने क्या किया, आज अयोध्या में मंदिर भी बनने जा रहा है, वो रामनवमी है। ऐसे तो चैतों में हमेशा राम रामायण होती थी, राम जी का उत्सव बहुत रंगे चंगे से मनाया जाता था, मगर कोरोना की महामारी के कारण ये दूसरा रामनवमी है कि जो मनाना मुश्किल है। इस दिन नवरात्र, चैत्र नवरात्र समाप्त होगी। इस दिन नेशनल सिविल सर्विस डे है। भारतीय लोगों का, यानी भारतीय बंधारण के हिसाब से भी देखो या भारतीयता के हिसाब से भी देखो, को ये बहुत अहम अंग है तंत्र का, जिनके अंदर ये सिविल सर्विसेज वाले राज कारोबार पे ध्यान रखते हैं, काम करते हैं, ये बहुत ही, इसमें बहुत बहुत विंग है, IAS, GAS, UAS, MAS, अलग 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 बहुत विंग है, IHS, IRS, IFS, ये सब जगह पे सिविल सर्विसेज है। इसके अंदर सही तरीके से तंत्र चलता रहे, ये वहीवट की एक पांख है और बहुत अच्छी तरह से करता है ये काम। सिविल सर्विसेज में जुड़े हुए सब लोगों को शुभकामना। अभी कोरोना की महामारी में सिविल सर्विसेज वाले ने और डॉक्टर्स ने बहुत काम किया है, उनको भी सराहना करनी पड़ेगी हमको। आगे की बात करें तो 22 तारीख को धर्मराज जयंती। धर्मराज कौन, तो युधिष्ठिर, इनका जन्मदिवस। सच्चाई पे चलना, कभी झूठ न बोलना, ये सब प्रक्रिया धर्मराज के साथ जुड़ी हुई है। उसी दिन 22 तारीख को ही वर्ल्ड अर्थ डे है, पृथ्वी दिवस, या धरती दिवस बोल सकते हो। 1970 से मनाया जाता है। हम लोग ने प्रकृति के साथ बहुत खिलवाड़ किए और प्रकृति की कई चीजों को डिस्टर्ब कर दिया, खास तो पर्यावरण डिस्टर्ब कर दिया। ये सबसे बचने के लिए ये प्रकृति दिवस की तरह ही अर्थ डे मनाया जाता है, क्योंकि अर्थ से बहुत कुछ जुड़ी हुई चीजें हैं और अर्थ स्पॉइल होती है, अर्थ को नुकसान होता है, और आपको शायद मालूम ना हो मगर ये चीज है कि कई सालों में
धीरे धीरे दरिया बढ़ रहा है, यानी समुद्र बढ़ रहा है, उनकी सपाटी बढ़ रही है। ये भयजनक है, इसके लिए दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल गर्ल्स आईसीटी डेज, ये क्या है, 2014 से मनाया जाता है। इंजीनियरिंग की सब ब्रांचों के अंदर महिलाओं का योगदान बढ़े, महिला यानी बच्चियां पढ़े इंजीनियरिंग, इसके लिए ये मनाया जाता है। आज तो खैर इंजीनियरिंग में मैंने देखा है कि अभी तो बहुत महिलाएं सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, कम्युनिकेशन इंजीनियर पढ़ रही है। एक समय था कि इंजीनियरिंग में महिलाएं जाती नहीं थी, ऐसे भी अभी भी कम है, तो ये जागरूकता लाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। हकीकी बात करें तो 23 तारीख को कामदा एकादशी है, भगवान विष्णु का व्रत करने का दिन। उसी दिन वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे 1995 से मनाया जाता है। बुक्स लिखते हैं, कई चीज कई आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, इसका कॉपीराइट होता है कि इसका दुरुपयोग ना हो, इसका पार्ट्स का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए ये दिन मनाया गया है। और इसके अंदर जागरूकता लाना जरूरी है, क्योंकि कई जगह पे कई बुक्स की कॉपी होके अलग तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है, वो ना हो, और लेखक को अपने नामना और अपनी रॉयल्टी मिलती रहे, ये प्रक्रिया को लेके ये दिन मनाया जाता है। 24 तारीख को वामन द्वादशी, विष्णु के अवतार वामन का जन्म दिवस, उसको वामन द्वादशी बोलते हैं। और वामन ने तीन ही फलांग में पृथ्वी को नाप लिया था, दो ही फलांग में, तो ये वामन थे, मगर वामन में भी विराट थे, उनकी जयंती है, उनको नमन। इसके साथ आगे चले तो 24 तारीख को ही नेशनल पंचायती राज दिवस, पंचायत राज की कल्पना पहले अगर किसी ने की हो तो सर सयाजीराव गायकवाड़ तीसरे ने की। बड़ौदा स्टेट में पंचायती राज लागू किया गया था, और वो पंचायती राज 1993 में कर्नाटक और केरला से लागू किया गया फिर से, और पंचायती राज एक धारा बनाया गया। आज हिंदुस्तान के अंदर करीबन 2.5 लाख पंचायत है, इसमें ग्राम पंचायत आती है, तहसील पंचायत आती है, जिला पंचायत आती है, नगर पालिका परिषद आती है, महानगर पालिका परिषद आती है, ये सब इसके अंदर गिनती में आता है, ये सब पंचायती राज के तहत ही गिना जाता है। हकीकी बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज डे है, ये 24 तारीख को इंग्लिश लैंग्वेज डे। इंटरनेशनल तौर पे सबसे ज्यादा उपयोग में आती हुई भाषा इंग्लिश है, इंग्लिश का कोई अंत नहीं है, और आज कंप्यूटर से लेके सब जगह पे अगर भाषा की तौर पे कोई भाषा उपयोग होती है तो ज्यादातर इंग्लिश होती है। यस, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज डे इस दिन मनाया जाता है। इंग्लिश कवि, इंग्लिश लेखक, इन लोगों की ज्यादातर प्रसिद्धि हुए, इसलिए ये दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस दिन वर्ल्ड डे ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स है, प्राणियों को कोई भी रस्सी, अभी जैसे कोरोना की वैक्सीन ढूंढी गई, ऐसे कई दवाएं ढूंढी जाती है, वो ढूंढने के बाद उसका पहला उपयोग प्राणियों पे किया जाता है। प्राणियों पर इसकी क्या असर होती है वो देखा जाता है, ये प्राणियों के प्रति क्रूरता ना हो, इसलिए वाइल्ड लाइफ ने इसको 1979 से मनाना चालू किया। और ये दिन का महत्व बहुत है, क्योंकि आज हर लेबोरेटरी में इसका उपयोग प्रत्यक्ष का परोक्ष रूप से होता है, इसके परीक्षण हो जाने के बाद ही मनुष्य पर परीक्षण किया जाता है,
ये प्रति जागरूकता आना चाहिए, प्राणियों के प्रति क्रूरता ना आवे और बेफिजूल प्राणियों का हत्या ना हो प्राणियों की, ये देखा जाता है। 25 तारीख जैनों के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर सिद्धराज के पुत्र राजकुमार थे, राजा 30 साल की उम्र में इन्होंने दीक्षा ली और संन्यास जीवन के लिए त्याग करके राजपाट त्याग करके निकल गए। जैनों के अंदर अहिंसा परमो धर्म की जो परिभाषा है वो साबित करके दिखा दी। महावीर स्वामी के बारे में कुछ बोलना हमारे लिए कम है, मगर जैनों के 24वें तीर्थंकर है और इनका जन कल्याणक है। कई जगह पे महावीर स्वामी जयंती भी बोलते हैं, सबको इसकी मुबारकबादी हो, जैन समाज को इसकी मुबारकबादी हो। इस दिन वर्ल्ड मलेरिया डे 2012 से मनाया जाता है। मलेरिया से हिंदुस्तान में तो कई तौर पे हम देखे तो कुल मिला के बहुत शांति हुई है, अब मृत्यु का प्रमाण कम हुआ है। एनोफिलीस मच्छर के काटने के कारण होता हुआ रोग और इनके अंदर क्विनाइन सल्फेट की दवा यूज होती है, मगर पछात देश अफ्रीकन देश इसके अंदर आज भी मलेरिया के कारण कई हजार जिंदगियां मर जाती, कई हजार लोग जी होते। ये मलेरिया के प्रति जागरूकता आवे इसके लिए मलेरिया डे WHO के द्वारा 2012 से मनाया जाता है, ये जरूर है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन की ओर से वर्ल्ड पेंगुइन डे मनाया जाता है। ठंडे प्रदेशों में ज्यादातर जहां बर्फ दिखता है वहां पेंगुइन देखे जाते हैं। पेंगुइन एक समझू और एक अलग ही प्रकार का प्राणी है। सबसे पहले उसको अंटार्कटिका में देखा गया था। इनकी बहुत ऐसे कम जगह पे ही इनका जीवन है, तो इनकी संभाल हो, इनकी बहुत तादाद में बस्ती होते हुए भी इनको खाने में दूसरे उपयोग में ले जाने के कारण इनकी बहुत हत्या होती है, इनको बचाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ये चैनल आप तक पहुंच रहा है, ये चैनल पहुंचता है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, आप इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। हिंदू धर्म के साथ साथ वर्ल्ड की अच्छी अच्छी बातें आप तक हर हफ्ते मिलती है। सब्सक्राइब करने के बाद में इसके बाद बाजू में आई हुई घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले हम जब पोस्ट करें तो वीडियो आपको पहुंचे। आप सबके जीवन में खुशहाली बरकरार रहे और कोरोना जैसी महामारी आपके घर में ना आवे, ऐसी शुभकामना के साथ में अस्तु। शुभम भवतु। आदेश आदेश आदेश।